हेलो साथियों, कैसे हैं? श्रेयान एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आपका जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के, आपको जैसे पता है कि चल रहा है उसके ऊपर, तो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के जो वीडियो लेक्चर सीरीज थी हमारी, इसके अंदर ऑप्टिक्स वाला पोर्शन चल रहा है जिसके अंदर हमने विवर्तन यानी कि डिफ्रेक्शन पे चल रहे थे। फ्रेनल वाला जो भी था, फ्रेनल क्लास के जो डिफ्रेक्शन है वो सारे के सारे जो भी जोन प्लेट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा अब टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन जो है उस पर आपको बेसिकली जो है मेरे हिसाब से जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बजाय जो इस पर आपका मैक्सिमम जो ध्यान रहेगा है ना फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में, वो रहेगा हमारा जो है कि थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर, क्योंकि वहाँ से थ्योरेटिकल फॉर्मूला आने के चांसेस ज़्यादा है बजाय कि न्यूमेरिकल से, ठीक है। और फाइनल वाले में से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है बजाय कि उसके फॉर्मूले में से, ठीक है। तो क्योंकि रीज़न है, रीज़न क्या है कि जिस भी चीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन होकर और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ेगा, या जिसका फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल सा दिखता हो वो फॉर्मूला आपको पूछ जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेक्शन यानी कि विवर्तन के अंदर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आपको विवर्तन स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि फ्रेनल के अंदर सोर्स और जो आपका पर्दा यानी कि स्क्रीन है वो दोनों क्या है, जहाँ पे अपन डिफ्रेक्शन पैटर्न ले रहे हैं वो दोनों किस पे है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है। उनके बीच डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी इसका मतलब क्या, ऑलवेज, ठीक है, दिमाग में रखना, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ऑलवेज जो सोर्स से जो लाइट आएगी उसका वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र होगा वो क्या होगा, हमेशा समतल तरंगाग्र होगा। क्या होगा, हमेशा समतल तरंगाग्र होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑलवेज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। क्या होगा, ऑलवेज जो है वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। जबकि उस वाले में यानी कि फ्रेनल वाले में प्लेन हो सकता है, गोलीय यानी कि स्फेरिकल हो सकता है, और सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार हो सकता है, कैसा भी वेव फ्रंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने सोर्स से उस पर कितना लगा, सोर्स कौन सा यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ इनफाइनाइट से आ रही है, सोर्स चाहे कैसा भी हो, सोर्स की चाहे साइज कैसी भी हो, वो चाहे कैसा भी वेव फ्रंट जनरेट कर रहा हो, अल्टीमेटली जब वो आगे बढ़ता है इनफाइनाइट डिस्टेंस जब कवर करेगा तो वो क्या होगा, वो कर्व्ड सरफेस होगी। अगर किसी की रेडियस कर्वेचर ऑफ रेडियस इनफाइनाइट है तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या, एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो हमें क्या दिखती है, प्लेन दिखती है ना, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, बहुत ज़्यादा, इसलिए अपने को प्लेन दिखती है। अगर ये बहुत छोटी होती रेडियस तो क्या दिखती, स्फेरिकल दिखती, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास जो है मेन डिफरेंस जो है फ्राउनहोफर में, इन दोनों में ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में, वो सिंगल स्लिट का डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, डबल स्लिट का डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे और एन स्लिट का डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे। एन स्लिट डिफ्रेक्शन का मतलब है ग्रेटिंग, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किस पे, क्योंकि देखो जब तक सिंगल स्लिट नहीं पढ़ोगे डबल स्लिट समझ में नहीं आएगी, डबल स्लिट नहीं पढ़ोगे तब तक एन स्लिट समझ में नहीं आएगी, तो ये तीनों जो है वो कंटिन्यूस में चल रही है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, सिंगल स्लिट, ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। FD लिख रहा हूँ, FD मोड फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। सिंगल स्लिट मतलब एकल स्लिट, अब स्लिट को स्लिट ही बोलते हैं, ठीक है, एकल स्लिट यानी कि सिंगल स्लिट, ठीक है। तो आप देखिए इसका डायग्राम कैसा होगा, सबसे पहले तो कि मान लीजिए आपने एक स्लिट बनाई है इस तरह से, तो ये स्लिट S है, ठीक है। इसकी जो टोटल यहाँ पे चौड़ाई है यानी कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये मान लीजिए स्मॉल e है, तो इस पर क्या होंगी, इस तरह से वेव जो है वो आएंगी, ठीक है, ये आ गई। यहाँ से क्या होगा, इसका किनारों से मुड़ेंगी, किनारों से मुड़के क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो हम पर्दा लगा रहे हैं, अब क्योंकि इनफाइनाइट पे पर्दा है तो क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ से निकलने वाली वेव भी क्या होगी, आगे जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी, तो इनका डिफ्रेक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट पे। तो हम क्या लगते हैं, इसमें एक लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लेंस का भी यूज़ करते हैं, कौन से लेंस का, क्योंकि हमें इन वेव्स को एक पॉइंट पे लाके उनको पैटर्न देख रहे ना डिस्पर्शन, तो एक पॉइंट पे लाके उनको मिलाना है, तो मिलाने के लिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एक लेंस यूज़ करेंगे, कौन सा,
कॉन्वेक्स लेंस, यहां से क्या होगी ये मुड़ेंगे, ठीक है, और मुड़ने के बाद एक पॉइंट जो होगा इस पे ये इस तरह से आके मिल जाएंगे, ये पॉइंट पी जहां पे हम डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से। तो क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं किस पे, इस वाली पे, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मैंने डाला, ठीक है, तो इसका मतलब इस वाली वेव ने तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और इस वाली वेव ने ये जो है ना, ये वाली ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है ट्रेवल की, इसे हम बोलेंगे पथांतर, यानी कि पाथ डिफरेंस। तो ये इसके और इसके बीच में जो है पाथ डिफरेंस कितना है, ये पाथ डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है जब मुझे ये ई गिवन है। ई क्या है, ये इसकी चौड़ाई जो है ना, जो विड्थ है स्लिट की, है ना, स्लिट विड्थ जो है वो कितनी है, स्लिट की चौड़ाई वो ई गिवन है, ठीक है, ई अगर गिवन है उस केस में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये जो इस पर आपसित हो रहे हैं क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू डेस हमारा वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका डायग्राम। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है पहले तो पथांतर कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल की बात करूँ तो डेल कितना आएगा, पाथ डिफरेंस जिसे मैं कह रहा हूँ, ट्राइंगल बना लीजिए, कैसा बना ट्राइंगल, सॉरी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये ई गिवन है आपको, जब ये गिवन है और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ये, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, अच्छा थीटा, थीटा क्या होगा, एक मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एंगल भी तो चाहिए मुझे, तो ये जो है इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा, तो ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये पथांतर हो गया ना, तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, जब ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं मिलाता हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ये हमारे पास कितना है, 90 एंगल है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो बता रहे हो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है, ये 90 है, तो अब ये जब ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला मुझे निकालना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस मुझे गिवन है, तो कौन सा थीटा लगता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है, पथांतर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया, ई साइन थीटा, हमारे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ये क्या आया मेरा, ये आया पथांतर, ये क्या आया, पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस से मुझे क्या निकालना है, फेज डिफरेंस यानी कि कालांतर निकालना है, फेज डिफरेंस यानी कि, तो ये लिख लेना फॉर्मूला, ये क्या होता है, ये होता है 2π अपॉन लैम्डा इनटू दिस, ठीक है। अब डेल क्या है, इसको मैं लिख दूँ, चलो पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, है ना, इस फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया, इसको मैं 5 से अगर डिनोट कर देता हूँ, इसमें देख लो, इस बुक के अकॉर्डिंग करते हैं हम इसको भी डिनोट, ठीक है, इसको डेल से डिनोट किया है, तो मैं भी इसको डेल से डिनोट कर देता हूँ, इस बुक के अकॉर्डिंग ही डेल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 2π अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, क्या बन जाएगा, 2π अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, देखो जो वेव फ्रंट होता है ना, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ये हाइगेन ने कहा था, ठीक है, कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अगर पॉइंट मैं देखूँ इस वेव पॉइंट के यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने सोर्स है, मान लीजिए मैं पी पॉइंट लेता हूँ, है ना, स्मॉल पी जो है वो पॉइंट मैंने ले लिए, तो स्मॉल पी पॉइंट अगर मैं इनको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें स्मॉल पी सोर्स होंगे, कितने होंगे, स्मॉल पी सोर्स होंगे, तो एक सोर्स की वजह से कितना हो रहा है, डेल आ रहा है, तो पी सोर्स की वजह से कितना आ जाएगा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपस के अंदर दोनों में रिलेशन कितना हो, भाई ये डेल किसकी वजह से है, इस वाले सोर्स और इस फाइनल सोर्स में कितना आ रहा है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए बीच में एक दो तीन करते 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 कितने स्मॉल पी सोर्स है, जब स्मॉल पी सोर्स है तो इसका मतलब अब इस पहले और दूसरे सोर्स के बीच में कितना रहेगा, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन टू नियरली सोर्सेज, वो कितना होगा, तो वो जो निकलेगा वो हो जाएगा मेरे पास टोटल डेल अपॉन पी, ठीक है भाई। पहले और लास्ट के बीच में ये है, तो आपस में अगर पी सोर्स है बीच में, तो जस्ट पहले और दूसरे के बीच में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, उसको पी से डिवाइड करो, क्योंकि बराबरी तो होगा सब में, डिस्टेंस क्या चल रही है, दोनों सबकी बराबर चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनके मध्य कलांतर हो जाएगा, ठीक है, क्रमागत जो होंगे। इसका मुझे वैसे कोई काम नहीं है,
ठीक है, तो इसको मुझे जरूरत भी नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है आपको दिमाग में क्या रखना, ये वाली कि फाइनल और जो इनिशियल है उनके बीच में क्या है, ये जो है जो सोर्स का डिफरेंस रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैंने ये पी सोर्स जो माने हैं, कितने सोर्स माने हैं, पी सोर्स माने हैं, लिख देता हूँ मैं, टोटल सोर्स कितने हैं, टोटल सोर्सिंग ऑन वेव फ्रंट है ना, ये ध्यान रखना, ऑन वेव फ्रंट तरंग आग्रह पे टोटल सोर्स कितने माने उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उस केस में कि अब मुझे क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ना है, तो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। जब आप इन सब का वेक्टर सम करके और फाइनल जो है इसमें आप फाइंड आउट करते हो, मैं तो कोई डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैंने पहले आपको कहा था, अगर फाइनल आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आयाम यानी कि जो एम्पलीट्यूड आपको मिलने वाला है यहाँ से, वो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, उसको अगर मैं ए से डिनोट कर देता हूँ तो वो आएगा स्मॉल ए पी, है ना, पी टाइम्स है, ए क्या है, सिंगल सोर्स का, जो सिंगल सोर्स दे रहे उसका एम्पलीट्यूड अगर आपको गिवन है स्मॉल ए, तो ये इक्वेशन बनेगी पी ए, और साथ में बनेगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और साइन अल्फा क्या होगा वो मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, साइन अल्फा जो होगा वो सिंपली अल्फा जो है उसे मैं लिख रहा हूँ डेल अपॉन टू, अल्फा किसको लिख रहा हूँ, डेल अपॉन टू को मैं अल्फा लिख रहा हूँ, तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, पी ए साइन डेल बाई टू अपॉन डेल बाई। अब क्योंकि आगे वाली इक्वेशन पूरी की पूरी अल्फा में चलेगी तो आप दिमाग में रखना इसको ये लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है, वो है पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, ये अल्फा है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन एम्पलीट्यूड की। यहाँ से अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसका होल स्क्वायर भाई के टाइम्स क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो के टाइम्स इसका होल स्क्वायर, वैसे क्या है नॉर्मली के को अगर हटा भी तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये इक्वल टू लिख सकता हूँ, है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन अल्फा इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये आपके पास टोटल इंटेंसिटी का सिंगल स्लिट के लिए फॉर्मूला बनेगा। दिमाग में क्या रखना है, आई नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है, सिंगल सोर्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये क्या है, सिंगल सोर्स एम्पलीट्यूड, यानी कि एक सिंगल अगर एकल अपर पास स्रोत है उसका एम्पलीट्यूड किसके, इस तरंग आग्रह के किसी पॉइंट का, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से जो है मुझे डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है कि मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है इंटेंसिटी का, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले केस पे, केस फर्स्ट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, अब केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब क्या है, अगर अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो तो इसका मतलब डेल इक्वल टू कितना होगा, जीरो, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो, ये जीरो हो तो डेल जीरो होगा, डेल जीरो होगा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, जीरो, ये जब सब जीरो हो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर आप देखिए कि इस केस के अंदर साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये क्या होता है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो साइन अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू वन होता है, उस केस में इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या लिखोगे, साइन ना जीरो बटा जीरो, जीरो बटा जीरो लिमिट पड़ी ना किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है ना, वो आपको पता है ना, जीरो अपॉन जीरो करते हैं किसके बराबर आता है, वन के बराबर, कब, इस वाले केस में, ठीक है, साइन वाले केस में ध्यान रखना। अब इसके बारे में आगे देखिए कि ये तो आपका आ गया सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी आई नोट होगी वो कहाँ होगी, वहाँ अल्फा इक्वल टू जीरो यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर दोनों के बीच में कोई पथांतर नहीं हो तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, केस सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल मिनिमा, प्रिंसिपल मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या है कि मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो, ठीक है, मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो, जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो। अब इसकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो ये हो सकती है कि साइन अल्फा तो कितना हो, जीरो हो, लेकिन
बट एल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई अगर दोनों जीरो है तो वन दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि साइन एल्फा तो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन एल्फा कितना है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, तो ऐसी कंडीशन होती है एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, ठीक है। लेकिन एम कहाँ से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री से स्टार्ट होगा, नहीं कि जीरो से, क्योंकि जीरो वाला अगर होता है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एम पाई जो है प्लस माइनस वो वाला केस कौन सा होगा, ये केस जिसमें साइन एल्फा तो जीरो का लेकिन एल्फा इक्वल टू जीरो नहीं है, उस केस में इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये लिख दीजिए कि साइन एल्फा अपॉन एल्फा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, जीरो, तो इंटेंसिटी आई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये जितने भी पॉइंट होंगे ये वाले, ये कौन से होंगे, प्रिंसिपल मिनिमा, यानी कि इनको बोलेंगे हिंदी में कहेंगे तो मुख्य निम्निस्थ, है ना, प्रिंसिपल मिनिमा मतलब मुख्य निम्निस्थ, इसे बोलेंगे मुख्य निम्निस्थ, क्या बोलेंगे इनको, निम्निस्थ, ठीक है, हो गया। अब इसके अलावा भी सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा भी कोई मैक्सिमा होंगे क्या, हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। और देखना कि साइन की वैल्यू जो है वन कहाँ पे आती है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, अगला हो जाएगा मुख्य निम्निस्थ, है ना, या सॉरी द्वितीय गुच्छे से बोलेंगे उसे, मुख्य क्या, द्वितीय गुच्छे, केस थर्ड, केस थर्ड में बोलेंगे द्वितीय गुच्छे, है ना, उसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा दैट इज द्वितीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट। अब द्वितीय उच्चिष्ट क्या होंगे उसके बाद देखिए, तो द्वितीय उच्चिष्ट का मतलब क्या है कि अब ये तो एक केस हो गया, है ना। अब इसके अलावा आप देखिए कि अगर अल्फा इक्वल टू, ठीक है, अब देखो साइन 91 भाई जीरो तो एक हो गया, वो ये वाला केस हो गया, उसके अलावा क्या आएंगे 90 के बाद में, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2m प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और m कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 से, दिमाग में रखना कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 से। और अगर ये 1 से स्टार्ट करूँगा तो क्या आएगा, या माइनस 1 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको मिलेगी। अब एक चीज़ और दिमाग में रखिए, इसको जब सोल्व करेंगे अपन, है ना, इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करते टाइम एक चीज़ दिमाग में हमें क्या रखनी है, इस इक्वेशन को जो सोल्व करने के लिए बुक में जो वो चीज़ यूज़ करी गई है वो ये कही गई है कि आप क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी आई ना उस इंटेंसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखने पे जो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों को हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में जो पॉइंट कट रहे हैं वो पॉइंट लगभग इसके पास में कट रहे हैं, इसलिए हमने क्या माना इसको सेकेंडरी मैक्सिमा माना। मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे कि भाई साइन 90, ठीक है, उसके बाद में ये जो आगे वाले जो भी हो गए 270 290 के मल्टीप्लाई में चलते जाएगी, तो वो सब क्या आएंगे, मैक्सिमा देंगे, तो ये इन इन पॉइंटों पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सारे पॉइंट होंगे अगर एम सी यू जो आप रखते जाएंगे तो, है ना। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी मुझे देखनी है, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो यहाँ है, वहाँ क्या आ रहा है साइन, ये रखोगे तो हमेशा क्या मिलेगी वैल्यू, प्लस वन, वन मिल गई, स्क्वायर कर रहे हैं ना उसका, इसलिए भाई होगा क्या इसमें माइनस वन भी मिल सकता है, लेकिन माइनस वन क्या है उसका स्क्वायर हो रहा है साइन अल्फा का, ना लिख देता हूँ मैं, ये इस तरह से इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज वन देगा, ये हमारी वैल्यू यहाँ रखनी है, तो क्या हो जाएगा आई नॉट वन अपॉन टू एम प्लस वन होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई फोर, दैट इज इसको उधर भेज दीजिए, तो इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर आई नॉट अपॉन 2m प्लस 1, ठीक है, ये इंटेंसिटी होगी। अब इनको द्वितीय उच्चिष्ट को बोला, तो देखिए जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी 0 से 1, 2, 3 ऐसे जाएगी 1, 2, 3, तो क्या होगा ये जो वैल्यू है, है ना, ये वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 0 पे देखेंगे तो क्या आएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, 1 पे देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 5, तो 25 पाई स्क्वायर, फिर आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 4, 4 और हो गया 1 5, 2 रखेंगे ना 2 इंटू 2, अच्छा 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो होगा 3, हाँ 3, तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है धीरे 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 क्या हो रही है, जो मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी पिक्चर जो मैंने आपके सामने ये रखी है ना, चलो मैं इसमें देख लेता हूँ कि अगर मान लीजिए
ये हो गया। अब आई आई तो ये हो गया हमारा सेंट्रल वाला, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि अल्फा इक्वल टू कितना लूँ मैं, 5/2 लेता हूँ, ठीक है। अल्फा इक्वल टू कितना लेता हूँ, 5/2 लेता हूँ, है ना। तो 5/2 लेने का मतलब m इक्वल टू कितना लिया मैंने, 0 लिया है। जब m इक्वल टू 0 लेता हूँ तो i कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू ये हो गया 4i0, यहाँ 0 रखिए, तो ये 0 हो गया, ये कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर, ठीक है। अगला m इक्वल टू आप 1 लोगे तो i इक्वल टू कितना मिलेगा, 4i0 अपॉन यहाँ रख दीजिए, है ना। 1 रखेंगे तो 2+1 3 का स्क्वायर 9, तो 9π², ठीक है। अगला m इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 4, तो ऊपर चले जाए 4i0 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, 2 × 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 20 πy² ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमा है वो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जो है स्पीड से कम हो रहा है, ये आप देखिए। क्योंकि देखिए 25 अगला कितना होगा, अगला हो जाएगा अपने पास यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 × 2 कितना हुआ, 6 + 1 7 ठीक है, उसका होल स्क्वायर तो 20 कितना हो गया, 49 ठीक है। फिर अगला ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा जो है स्पीड से मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है अगर आप इसको देखें, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। इसका अगर ग्राफ देखें तो जो ग्राफ है ये हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा और इसमें बना रहे हैं, अल्फा और इसमें इंटेंसिटी में हमने ग्राफ बनाया। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो है वो तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको, कितनी, आई नोट मिल गई, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा कितना मिल गया, आई नोट मिल गया। उसके बाद जो मैक्सिमम मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये इस तरह से, फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा, ये इस तरह से, सिमिलरली ये इस तरह से, और फिर अगला इस तरह से वैल्यू, ये 0 पे, ये पहला कहाँ मिलेगा, 5/2 पे, ठीक है। ये मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, पाई पे, ठीक है। फिर यहाँ क्या मिलेगा, उल्टा लिख दे क्या, उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये पहला आपको कहाँ मिल गया, 0 पे। तो दूसरा कहाँ मिलेगा, फिर मिनिमा कहाँ मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है यहाँ पे, मिनिमा मिलेगा पाई पे, फिर आप 2π पे। सिमिलरली ये मिनिमा है, मिनिमा -π पे, ये -2π पे, ठीक है, और ये -3π पे, ये प्लस का 3π पे। बीच में जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमा की, ये कहाँ मिलेगी, इन दोनों के बीच में, तो 3π/2, ये कितनी मिलेगी, 5π/2, ठीक है, 3π/2, 5π/2, ये वाली चीज़ मिलेगी। देखो m इक्वल टू 0, 0 वाला केस तो हमने यहाँ ले लिया है, तो ये वाली तो भूल जाओ आप, आगे वाले पे जाओ, है ना। m इक्वल टू 0 वाला केस तो वो तो हमें लेना ही नहीं है, m इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 वाले केस के अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि 3/2 पे जा रहा है ना, तो 3/2 पे जा रहा, तो कितने आएगी वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी I0/22, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे ना, 9π² सारा रखोगे तो कितना आएगा, 22 जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से। अगली अगर वैल्यू देखें तो कितना होगा, ये जो वैल्यू मिलेगी I0/61, ये जो है ना यहाँ पे, इतना कम हो रहा है, यानी कि आई नोट से सीधा, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल जो मैक्सिमा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे जो हैं वो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ लिखना चाहूँगा। वो क्या है, सबसे पहले तो केंद्रीय उच्च की कुल चौड़ाई कितनी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान से रख सकती, ये जो डिस्टेंस है ना इसे बोलते हैं हम एक्स, ठीक है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये कितनी होगी, है ना। अच्छा, इसको 2x बोल देते हैं, क्योंकि x कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का x है और यहाँ से यहाँ तक का x है। फिर जो 2x होती है, ये 2x कितनी होती है, इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये होगा 2λ f अपॉन e। ई आपको पता है, जो आप सोर्स ले रहे हो उसकी चौड़ाई कितनी है, लेमदा जो वेवलेंथ यूज कर रहे हो, जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है, f जो आपने लेंस यूज किया उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसी तरह से अब यहाँ से कि इससे लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, थीटा, तो इसे क्या बोलेंगे, थीटा क्या है हमारे पास, वो है एंगुलर, है ना, एंगुलर विड्थ फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू, ये सीएम सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा शॉर्ट में लिखा, सेंट्रल मैक्सिमा टू फर्स्ट मिनिमा इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ का कोणीय विस्तार होगा, ठीक है, इसे क्या कहेंगे,
कोने यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ के मध्य, लिख लेना केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ के मध्य कोणीय विस्तार वो कितना होगा, ये होता है हमारे पास ई अपॉन लेमदा, ई अपॉन लेमदा एन लेमदा पोनी, सॉरी लेमदा पोनी है, सॉरी क्या है लेमदा पोनी, ये फॉर्मूला, ये इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है दिमाग में ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल मिला के अगर मान लीजिए कोणीय विस्तार देखूंगा ये कितना होगा थीटा, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ई, ठीक है हो गया। बस ये तीन चार फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखना है। कई बार जो है ना इसको इस वाले फॉर्मूले को इसकी फॉर्म में भी लिखते हैं एक्स अपॉन एफ, यहाँ से 2x अपॉन एफ जो है यहाँ से इस फॉर्मूले भी रखते हैं, अगर आपको ये गिविन है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये फाइंड आउट करके ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही, ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे जो है ना ये वाला, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल क्या, ये वैल्यू जो है ना ये पूछा गया था अभी साइज में टेक्निकल एजुकेशन वाले क्वेश्चन है ना उसमें ये आया था आपके, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल स्लिट से जो डिफ्रेक्शन वाला जो भी मुझे पोर्शन लिखवाना था मैंने आपको लिखवा दिया। अब आते हैं डबल स्लिट, तो डबल स्लिट में क्या होगा, डबल स्लिट के अंदर जो है क्योंकि दो सोर्स लेंगे, दो स्लिट लेंगे, तो दो स्लिट लेंगे तो क्या होगा भाई, उन दोनों स्लिट की वजह से क्या मिलेगा, डिफ्रेक्शन, इंडिविजुअल डिफ्रेक्शन, फिर वो जो डिफ्रेक्शन है उनका इंटरफेरेंस और मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रेक्शन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, वो होगा डबल स्लिट, ठीक है। डबल स्लिट में क्या होता है, डिफ्रेक्शन स्लिट की वजह से, डिफ्रेक्शन स्लिट की वजह से, और क्योंकि दो स्लिट है तो उनका इंटरफेरेंस, दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अच्छा ये जो एक चीज़ और इसमें लिख लेना कि अगर मान लीजिए इस सिंगल स्लिट के अंदर आपके पास स्लिट जो है वो जो स्लिट है वो कैसी है, स्लिट इज सर्कुलर, स्लिट क्या है सर्कुलर है, उस केस के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा उस सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होगी है ना वो कितनी होगी, उसके बाद उस केंद्रीय उच्चिष्ट की त्रिज्या है ना, तो केंद्रीय सेंट्रल रेडियस होगा ना, तो रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या बनेगा, वो बनेगा x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें एक फैक्टर आएगा 1.22, ये दिमाग में रखना क्या होगा 1.22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे जो है वो न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, अब आप जब किताब उठा के देखेंगे तो न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेंगे। f और लेमदा ऑलवेज पहले वाली चीज़ है, और जो a है ना ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ है ना, ये क्या है आपके पास रेडियस ऑफ जो है अर्धव्यास है ना, एक बार देखो डायामीटर तो नहीं है कहीं, a जो है उसको सही से रेडियस ही है हमारे पास, कहाँ गया a, हाँ ये थोड़ा डायमीटर है ना, अर्धव्यास नहीं, ये क्या है डायामीटर, ये क्या है डायामीटर है, लेकिन रेडियस थोड़ा कन्फ्यूजन था कि रेडियस है या डायामीटर, ये क्या होता है डायामीटर होता है, ठीक है। ये डायामीटर जो है आपको गिवन होगा कि आपके पास एक ऐसी सर्कुलर स्लिट है, उस सर्कुलर स्लिट का डायामीटर ए है, और जो आप लाइट यूज करते हो उसकी वेवलेंथ जो भी है 5000 एंगस्ट्रॉम वगैरह जो भी दी हुई वो है, और आप जिस लेंस से स्पेक्ट्रम ले रहे हैं यानी कि जैसे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसकी फोकल डिस्टेंस जो इतनी दे रखी है, तो अब आप बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी होगी x इज इक्वल टू डी, भाई सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनाया, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर आपके मैक्सिमम बनेगा, वो सर्कुलर मैक्सिमम बनेगा उसकी जो है रेडियस होगी x, वो क्या होगी ये रेडियस होगी, डायमीटर होगा तो 2 times कर लेंगे, ठीक है। ये रेडियस है, यहाँ डायमीटर है और यहाँ क्या है रेडियस है, ये जो फैक्टर है ना ये सर्कुलर के लिए आता है 1.22, ये आप एक दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट हो ही गया हमारा। अब आते हैं डबल स्लिट के अंदर, ठीक है, किसमें आते हैं डबल स्लिट के अंदर। सिंगल स्लिट के बाद में डबल स्लिट, तो डबल स्लिट या तो डबल स्लिट में क्या होगा कि डबल स्लिट में आप क्या करते हैं कि एक यहाँ पे आपने ऐसे स्लिट ली है, फिर बीच में कुछ पार्ट ऐसा, और फिर वापस एक स्लिट, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर आपके पास इस तरह से वेव जो है ये आती है, तो ये तो रुक जाती है। इसमें आपने क्या किया, ये वाला पोर्शन एक लगाया है जो अपारदर्शी है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें कोई होगा नहीं, ठीक है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, बी,
आपके पास स्लिट जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी भी ई है और इसकी भी कितनी है ई है, आइडेंटिकल रहते हैं। क्योंकि क्या कंडीशन फॉलो करवानी है, एक कंडीशन और फॉलो करवानी है और वो कंडीशन है कि लाइट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी आप डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो वो चीज़ ये होती है कि जो आपकी लाइट है वो लाइट मोनोक्रोमेटिक और उसके साथ साथ में जो है कलांतर में होनी चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो जो हमने पढ़ा है वो चीज़, ये हमारी स्लिट है, ये वाली ये स्लिट है और ये स्लिट है, बीच की दूरी कितनी है इसकी, बी दे रखी है, तो बी में दोनों को हमने एक दूसरे से अलग अलग कर रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल स्लिट पहले जो है इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट जो पी है उस पर क्या देगी, ये मान लीजिए पॉइंट पी है इस पर डिफ्रेक्शन देगी, वो डिफ्रेक्शन तो देगी लेकिन एक डिफ्रेक्शन इसकी वजह से, एक डिफ्रेक्शन इसकी वजह से, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस उनके बीच में होने वाला है। ठीक है, तो जो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में ये जो वेव आगे बढ़ रही है इस तरह से, एक ही वेव बता रहा हूँ मैं यहाँ से, ये इस तरह से और ये इस तरह से और फिर ये इस पॉइंट पे आके मिल जा रही है ना, ये समझ पा रहे हो ना, ये डिफ्रेक्शन की है, टोटल मिला के जो डिफ्रेक्शन है उसकी लाइन आ रही है। तो ये जो आपके पास यहाँ से एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा और ये जो है पाथ डिफरेंस, यानी कि इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस, उसका इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, उसकी मैं यहाँ बात करूंगा। ये अगर थीटा एंगल है तो पहले की तरह ये भी कितना होगा, थीटा एंगल। फाइनल जो आंसर बनने वाला है इसका, फिर से मैं लिख देता हूँ, देखो फाइनल जो आंसर बनने वाला है वो आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट वही है पी स्क्वायर ए स्क्वायर जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये किसकी वजह से है, ये है आपके सिंगल डिफ्रेक्शन। अब इन दोनों का इंटरफेरेंस का एक केस आएगा, वो क्या होगा, वो होगा कोस स्क्वायर बीटा, वो क्या होगा कोस स्क्वायर बीटा, वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, अल्फा पहले से ही जानते हो क्या है, अल्फा अल्फा जो है आपके पास वो है पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। ठीक है, और बीटा क्या होगा, बीटा भी तो एक एंगल है, तो बीटा क्या होगा, तो बीटा में जो है क्योंकि ये दोनों आ रहा है इंक्लूड है ना, बीटा जो है वो क्या है इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेरेंस में इन दोनों का इंटरफेरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बी प्लस ई दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो ई बाई टू यहाँ से, ई बाई टू यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा, बस ये दिमाग में। ठीक है, ये किसकी वजह से है, सिंगल स्लिट की वजह से, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिफ्रेक्शन। ठीक है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इन दोनों का इंटरफेरेंस, तो इन दोनों के बीच में पता नहीं कितना, ये वाला तो इसमें जो बीच की डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक घूमे, तो इसके सेंटर से लेंगे मतलब ई बाई टू, तो यहाँ से ई बाई टू यहाँ से और बी ये, तो ई बाई टू प्लस बी प्लस ई बाई टू, तो क्या हुआ ई प्लस बी, इसलिए क्या आ रहा है ई प्लस बी साइन थीटा आ रहा है। बस इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से और कोई आपको समस्या वैसे आने वाली है नहीं, ये जो चीज़ है बस आपको, क्योंकि सिंगल स्लिट अगर समझ में आ गया तो डबल स्लिट आप अपने आप ही कर जाएंगे। ठीक है, इसके भी क्या होंगे, वही सेंट्रल मैक्सिमा उसी में बनेगा, वो सारी चीज़ें पुरानी वाली है ना, बाकी सब क्या चलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह क्या चलेंगे सिंगल स्लिट की तरह, सिंगल लिख लेना स्लिट की तरह ही होगा, बाकी फॉर्मूले वो के वही बनेंगे, डबल स्लिट में भी वही वो के वो फॉर्मूले बनने वाले हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर लिखानी है वो क्या लिखानी है कि सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में अगर देखें, सिंगल स्लिट में क्या हो रहा है, हर एक कंडीशन के लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है ना, लेकिन जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमा और मिनिमा है उनमें से कुछ जो है वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे वो लुप्त रहेंगे। ठीक है, वो क्या रहेंगे, डिसअपीयर रहेंगे, लुप्त रहेंगे, वो जो डिसअपीयर या लुप्त रहेंगे ना इंटरफेरेंस की वजह से, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और वही आपको यहाँ पे मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो डबल स्लिट के अंदर क्या यूज़ करना है, डबल स्लिट के अंदर आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन से लुप्त होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी भाई, कंडीशन दोनों पे लगेगी, कोस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, इन दोनों में से जो कंडीशन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है वो क्या रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सी जो चीज़ है वो अनुपस्थित रहने वाली है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने के चांसेज है इस वाले कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, लुप्त श्रेणी क्या है, लुप्त श्रेणी कौन कौन सी श्रेणियाँ जो लुप्त रहेगी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे तो जाएगा मिसिंग ऑर्डर है ना, मिसिंग ऑर्डर या डिसअपेयर, मिसिंग ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर जो है वो मिसिंग रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए सबसे पहले, अगर मैं उसकी मिनिमा की बात करूँ, मिनिमा किससे बनता है,
मिनिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन, मिनिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन वो क्या होता है, ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम लैम्डा, ठीक है, ये मिनिमा के लिए है। फिर इसके साथ साथ में इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों का मिक्सचर में इसकी वजह से हो रहा है, तो इंटरफेरेंस की वजह से जो है मैक्सिमा देखना है, ठीक है, तो मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है, वो क्या बनेगा, ई प्लस बी साइन लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक है, ये इंटरफेरेंस का आपको पहले ही लिखाया था मैंने, आया था ना ई साइन थीटा इक्वल टू, यानी कि यह होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये किसकी वजह से, वो कोस थीटा वाले की। इंटरफेरेंस के अंदर अगर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम किसमें मिलता है, एन लैम्डा मैक्सिमम मिलता है, वो एन लैम्डा हो गया। अब जो है इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक दूसरे डिवाइड करता हूँ, तो क्या मिलेगा कि ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल टू एन अपॉन एम। जहाँ पर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो श्रेणी क्या होगी, भाई ये तो कह रहा है कि मिनिमा होना चाहिए, ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमा होना चाहिए। अब जब ये मिनिमा और मैक्सिमा कह रहे हैं तो क्या मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो वहाँ पे होगा ही नहीं, और इस बारे में बात को, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो श्रेणी उसमें नहीं होगी, ठीक है, ये बस आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको ना, घबराओ मत, ये न्यूमेरिकल करवा के बताऊंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए, मिसिंग श्रेणी यानी कि जो मिसिंग ऑर्डर है उनकी जो है क्या कंडीशन होती है, तो ये वाली कंडीशन उनकी होती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपके पास डबल स्लिट और सिंगल स्लिट जो है वो सेम चल रही है, जो आपके पास एन स्लिट होगा वो सिर्फ इसमें कुछ चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर सिंगल स्लिट वाला ये फॉर्मूला दिमाग रख लिया है तो डबल स्लिट में ये चीज़ ऐड हो जाएगी, सारी चीज़ें वो की वही चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज़ क्या चलेंगी, ये वाली कि कौन सी ऑर्डर जो है वो मिसिंग होगा डबल स्लिट में, तो ये ऑर्डर मिसिंग होगा, ठीक है। तो आइए, तो इसके अंदर जो है सिंगल स्लिट डबल स्लिट हो गया, अब है एन स्लिट, मान लीजिए कि जो एन स्लिट है ना, तो उस केस में क्या बनेगा, तो उस केस की बात हम करें तो अगला जो हमारा टॉपिक इसका थर्ड रहेगा वो रहेगा एन स्लिट, एन स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, ठीक है। और आप ये एन स्लिट का मतलब समझ रहे हैं, एन स्लिट का मतलब ये क्या है, ग्रेटिंग है एक तरह से, जो आप ग्रेटिंग पढ़ते हैं ना, ये क्या है ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर 2.45 सेंटीमीटर दैट इज 1 इंच है ना, इस 1 इंच के अंदर करीब करीब 10,000 to 15,000 क्या होती है, स्लिट होती है, मतलब कि इतनी सी जो आपके एक स्लिट होती है, प्रैक्टिकल आपने किए होंगे है ना, आप यूजी में थे तब सिंगल स्लिट स्लिट का जो है ना उससे, तो आपने उसका अपने स्पेक्ट्रम जो है निकाला होगा, उसमें रेड ग्रीन और ऐसी लाइट दिखती है येलो, फिर उसके लिए अपन एंगल निकालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं उसके अंदर स्लिट में, तो वो जो इतनी सी स्लिट होती है उसमें कितनी होती है, उसमें होती है 10,000 to 15,000 यानी कि 10,000 to 15,000 जो है क्या होती है उसमें वो स्लिट होती है, यानी कि इतने सारे सोर्स होते हैं उसके अंदर। उसके लिए अब जब देखते हैं कि एन स्लिट के लिए डिफ्रेक्शन पैटर्न निकालते हैं तो वो कैसा आएगा, उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम वाइग्राम नहीं बनाऊंगा, फिर से जो है सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, जो आई होता है वो होता है आई नोट, ये तो है ही, स्लिट सिंगल है तो सिंगल स्लिट है तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है, ये सिंगल स्लिट का है। अब इन एन स्लिट का क्या हो रहा है, आपस में इंटरफेरेंस, जब एन स्लिट का आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ एक और टर्म आएगी, वो आएगी साइन कैपिटल एन बीटा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा आप जानते हो क्या है, अल्फा जो है वो है डेल बाई टू डेट इज पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा डेट इज फॉर सिंगल स्लिट, बीटा आपको पता है वो क्या है पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा, ई प्लस बी का मतलब क्या है, ई क्या है, ई है जैसे मान लीजिए स्लिट, पहली स्लिट यहाँ से यहाँ तक हुई तो ये कितनी है ई, फिर बी बीच की डिस्टेंस, फिर ई, ठीक है, फिर बी, फिर ई, फिर बी, ऐसे करके चल रही है ना, एन स्लिट है टोटल मिला के। तो ई प्लस बी जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या, ई बी का मतलब है जो यानी कि ये स्लिट बना दी, ये भाग कौन सा अपारदर्शी यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उसकी साइज कितनी है, फिर स्लिट की साइज कितनी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एन स्लिट के लिए जो है हमें फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या आएगा, कुछ इस तरह का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कंडीशन भी सेम बनेगी, पहले ये किसकी वजह से है,
यह है डिफ्रेक्शन की वजह से और ये किसकी वजह से है, यह है इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, आगे समझ में आया फॉर्मूला, या मतलब ध्यान क्या रखना है, सिंगल स्लिट में इतना फॉर्मूला, डबल स्लिट में कोस बीटा स्क्वायर में आएगा और एन स्लिट के अंदर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, टोटल मिला के जो है ये इक्वेशन आपकी टोटल बन जाती है और इसके अंदर जो है जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होती है उसकी कंडीशन जरूर जान लेंगे, जिसे अपन ग्रेटिंग जो एलिमेंट है वो बोलते हैं ना। तो ये क्या है, फोर फोर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फोर प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है इसको लिखे तो मुख्य उच्चिष्ट है ना, मुख्य उच्चिष्ट। इसमें मुख्य उच्चिष्ट की जो कंडीशन होती है वो होती है e प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जब हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे यहाँ बतानी है तो मैं देख लेता हूँ, वैसे कोई समस्या वाली बात है नहीं, इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कुल मिला के ये छोटी सी बात है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से एन स्लिट वाले जो है उसे हम ग्रेटिंग ही बोलते हैं, ये ध्यान रखें। ग्रेटिंग का जो फॉर्मूला होता है उच्चिष्ट के लिए, क्योंकि देखिए आपको कहाँ पे वो लाइन दिखेगी, लाइन दिखेगी इस वाली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कि जहाँ पे ई प्लस बी साइन थीटा बराबर किसके हो, एन लैम्डा के बराबर हो, उस पर क्या मिलेगा आपको, जो आपको ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि उस इस कंडीशन के ऊपर आपको जैसे वो दिखता है ना, उस ग्रेटिंग रखने पे आपके व्हाइट लाइट होती है जो भी अपन यूज करते हैं मर्करी लाइट, उस मर्करी लाइट की क्या दिखती है, एक तरफ आप जब इस तरफ जाते हो तो आपको ग्रीन येलो ग्रीन येलो और रेड लाइन दिखती है, फिर ग्रीन येलो और रेड इस तरफ दोनों तरफ दिखती है, फिर हम उन दोनों के बीच में क्या निकालते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर और इस फॉर्मूले में रखे और उसके बाद में जो हमने लाइट यूज की उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ई प्लस बी आपको पता ही है इसका मतलब क्या है, और मुझे कुछ इसे बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, कुल मिला के जो है अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेटिंग कह रहा हूँ, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए ये चीज़ आपकी हो गई और उसमें क्या चाहिए, अच्छा अब ग्रेटिंग के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है स्पेक्ट्रम है वो अनुपस्थित होगा, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी कंडीशन आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी लिखाई है ना, वो कंडीशन क्या थी कि E प्लस बी अपॉन E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम अपॉन एन वाला जो कंसेप्ट था ना वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, अनुपस्थित अनुपस्थित क्या बोलेंगे अपन, अनुपस्थित स्पेक्ट्रम है ना, अनुपस्थित स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, ठीक है, अनुपस्थित स्पेक्ट्रम है ना, हो जाएगा अब्सेंट स्पेक्ट्रम। अब्सेंट स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, E प्लस बी अपॉन E इज इक्वल टू एन अपॉन एम, ठीक है, एन अपॉन एम ये पता चल रहा है, ये कहाँ से आया है, प्रिंसिपल मैक्सिमा से, ये नीचे वाला कहाँ से आया है, ये आया है निम्निष्ठ वाले से, ये है डिफ्रेक्शन की वजह से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, E साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ये किसका है, निम्निष्ठ, ठीक है, कौन सा, विवर्तन का, और E प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये क्या है, उच्चिष्ट, किसका, व्यतिकरण का। ठीक है, मिनिमा डिफ्रेक्शन मिनिमा और इंटरफेरेंस मैक्सिमा, ये दोनों ध्यान रखना, इनको हमने डिवाइड किया था देन उसके बाद इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, तो ये हमारे पास है ग्रेटिंग की इक्वेशन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, इफ बी इक्वल टू ई, मान लीजिए आपके पास जो अपारदर्शी भाग है, नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ग्रेटिंग है, उन दोनों की साइज इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ रखोगे ये हो जाएगा 2e अपॉन e इज इक्वल टू एन अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 2m, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे n इक्वल टू 2m होगा तो उस केस में तो m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, m था हमारे 1, 2, 3, निम्न क्या चलता ना, क्योंकि 0 मत ले लेना, 0 पे क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा था। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 4, ठीक है, 2, 4, 6, तो जहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट होगा वहाँ क्या हो जाएगा, वो आपके पास अब्सेंट रहेगा, तो अब्सेंट कौन सा रहेगा, ठीक है, कौन सा अब्सेंट रहेगा, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो सारे क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर E इज इक्वल टू, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, सेकंड केस क्या है,
सेकंड केस है कि अगर E इक्वल टू मान लीजिए या B इक्वल टू सॉरी E क्या B इक्वल टू 2E है ठीक है तो B इक्वल टू 2E तो कितना हो जाएगा 3E अपॉन E इज इक्वल टू N अपॉन M ठीक है तो E से कैंसिल आउट M इधर जाएगा तो N इक्वल टू कितना आ गया 3M तो M कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 ऐसा चलेगा तो N क्या हो जाएगा 3 6 9 तो इसका मतलब 3 6 9 वाले जो है वो क्या रहेंगे अनुपस्थित रहेंगे जहाँ पे 3 6 9 वाला जो भी स्पेक्ट्रम होगा उस नंबर वाला वो क्या रहेगा अब्सेंट रहेगा वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो ये जो चीज़ें होती है इसे हम क्या बोलते हैं उच्चिष्ट जो है वो अनुपस्थित रहेंगे यानी कि उच्चिष्ट आपको मिलेंगे ही नहीं वो जो मैक्सिमा है वो आपको नहीं मिलेंगे तो इस तरह की कंडीशन देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ये वाला मैंने आपको पहले कहा था इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्पेक्ट्रम कौन सा अब्सेंट होगा वो आपको क्वेश्चन इसी तरह का दे देंगे सिंपल सा लेकिन क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है ये चीज़ें कभी दिमाग में लाते ही नहीं है कि ग्रेडिंग वेटिंग भी हम पढ़नी है क्या है ना एग्जाम देने के लिए ठीक है उससे पहले पहले वाले ऑप्टिक्स पढ़ के उससे इतना थक जाते हैं कि आगे यहाँ तक बढ़ते नहीं लेकिन है बड़ी इजी चीज़ें ये ठीक है तो मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई आज से ग्रेडिंग मैंने आपको करवा दी है और उसके अलावा ग्रेटिंग की अधिकतम क्रम संख्या वगैरह ये भी चीज़ें हो जाएंगी इसमें कोई चौड़ाई वड़ाई का कुछ मतलब नहीं है ये डिस्पर्शन ग्रेटिंग के लिए इक्वेशन मैंने आपको लिखवा दी है इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करवानी चाहिए विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्शन पावर वगैरह वो मैं आपको पूरी एक साथ ही करवाऊंगा ग्रेटिंग के लिए सबके लिए तब मैं आपको करवा दूंगा ठीक है अच्छा ये आपको दे ही रखा है कि ग्रेटिंग में कितनी होती है करीब करीब जो है ये जो होता है ना इसको ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं ना ये जो E प्लस B होता है ना इसको क्या बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं ये जो ग्रेटिंग फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो E प्लस B होता है ना इसे बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट ठीक है ग्रेटिंग अवयव और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लिख लेना नंबर ऑफ स्लिट पर यूनिट या पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं या पर इंच लेंथ है ना कि एक इंच के अंदर कितने जो है नंबर ऑफ ग्रेट वो स्लिट है उसको इस तरह से हम इसको लिखते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मली जो है आप अगर इसको देखते हैं तो E प्लस B जो लिखा होता है ना E प्लस B का मतलब इस E प्लस B का मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके ये 2.45 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग है उसमें 15,000 क्या है स्लिट है कितनी है 15,000 स्लिट है तो E प्लस बी क्या होगा तो E प्लस बी जो होता है ना वो होता है ये 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15,000 तो कुल मिला के E प्लस बी की जो वैल्यू इसमें जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 1.69 आप करके देख लेना माइनस 4 सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि वो इतनी सी जो ग्रेटिंग है उसके अंदर स्लिट प्लस वो जो अपारदर्शी भाग दोनों मिला के कितना हुआ 1.65 इंटू 10^-4 तो ग्रेटिंग बनती कैसे तो ग्रेटिंग ऐसे बनती है कि अगर आपने कोई ग्लास ले लिया है ना कोई ग्लास ले लिया उस ग्लास पे हीरे की बहुत पतली नोक होती है उस पतली नोक से क्या करते हैं पैरेलल लाइनें कर देते हैं क्या कर देते हैं ऐसे पैरेलल जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लास स्लैब है ना तो इसमें क्या करेंगे ऐसे पैरेलल लाइन खींच देते हैं हीरे से तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे आपने हीरे से लाइन कर दिया खुरदरा कर दिया उसको रफ कर दिया है ना तो जैसे ही उसको रफ कर दोगे उससे क्या होगा जो लाइट जाएगी वो वापस टकरा के वापस आ जाएगी उसके ट्रांसपेरेंट नहीं होगी वो और ये बीच वाला भाग क्या होगा ट्रांसपेरेंट होगा अब ये कितना पतला हीरा आप सोचिए यानी कि E प्लस बी उस हीरे की नोक सोचिए कितनी पतली है जिससे अपन कर रहे हैं E प्लस बी जो है वो कितना है 1.69 इंटू 10^-4 और वो भी किसमें सेंटीमीटर में जब मीटर में मतलब कितना हो जाएगा -6 यानी कि माइक्रोमीटर के अंदर हम जाके उसको क्या कर रहे हैं लाइन खींच रहे हैं बोल सॉरी मेरी बात को तो इसका मतलब ग्रेटिंग के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं स्लिट वो स्लिट बहुत ही छोटी है क्यों क्योंकि डिफ्लेक्शन कब होगा आप ये समझिए इस चीज़ को डिफ्लेक्शन कब होगा हमने जब स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन की बात की विवर्तन की बात की तभी हमने ये कहा था कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उस लाइट की और जो आप जो भी सोर्स वगैरह जो भी यूज़ करोगे चाहे छिद्र होगा यानी कि चाहे अपार्चर होगा चाहे आप उसके अंदर ऑब्स्टेकल यानी कि अवरोध लगाते हैं उनकी जो साइज हो कितनी होनी चाहिए लाइट की साइज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए अब लाइट कितनी होती है तो लाइट को अगर एंगस्ट्रॉम पे नहीं ऐसे करते हो 5000 एंगस्ट्रॉम है तो 5000 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हो मीटर में लिखते हो ना 10^-7 तो यानी कि ये जो सोर्स है ये स्लिट है वो भी कितना होना चाहिए इसी कोटि का होना चाहिए तो बना रहा है इस कोटि का सुन पा रहे हो मेरी बात को तब जाके डिफ्लेक्शन होगा वरना डिफ्लेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं कि लाइट के सामने आपने सिर्फ दो लाइनें खींच के अपने हिसाब से और कहा कि ये लो डिफ्लेक्शन कराओ तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा ठीक है
तो कुल मिला के जो है डिफ्रेक्शन के बारे में जो भी चीज़ें हमें करनी थी वो सारी हमने देख ली है। अब कल हम जो है रिजोल्यूशन पावर के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रेक्शन पे कुछ इस जो मैंने लिखे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में जो है देख लेता हूँ अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जो भी कर सकते हैं अपन 5-7 मिनट में। तो ग्रेटिंग हो गया, ये हो गया, फिर रिजोल्यूशन पावर के साथ में देखेंगे तो करना ही पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन और वगैरह जो है अपन वो चलो एक एक इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि 5500 अंगस्ट्रोम है ना, यानी कि 5500 अंगस्ट्रोम है तरंग लंबाई का एक प्रकाश एक द्वि स्लिट पर आपतित होता है। किसको होता है? द्वि स्लिट पर आपतित होता है यदि प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि आपके पास एक स्लिट है, ठीक है, और उस स्लिट के ऊपर द्वि स्लिट है ना, द्वि स्लिट है, और इस द्वि स्लिट पे आप क्या कर रहे हो, एक लाइट डाल रहे हो जो है 5500 अंगस्ट्रोम की लाइट है, ठीक है, वो उसके स्लिट के ऊपर डालो, डबल स्लिट के ऊपर, ठीक है। और प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई दी है, यानी कि ई दिया है, ई कितना दिया है, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट विड्थ है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, ये गिविन है। उसके बाद कहा गया है उनके मध्य अपारदर्शी भाग की चौड़ाई, यानी कि बी, अपारदर्शी भाग है नॉन ट्रांसपेरेंट, वो बी कितना दिया है, वो बी गिवन है 4.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। देन उसके बाद कहा गया है तो लुप्त व्यतिकरण उच्चिष्टों के क्रम की संख्या ज्ञात की, लुप्त लुप्त मतलब जो अब्सेंट है, अब्सेंट वालों को ज्ञात करना है। तो अब्सेंट वाला क्या होता है, ई प्लस बी अपॉन बी, सॉरी ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल टू एन अपॉन एम, ठीक है। तो ई प्लस बी अपॉन ये वाला फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमें क्या करना, सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.2 + 4.2 × 10⁻⁶ जो कि कॉमन आ रहा, डिवाइडेड बाय 2.2 × 10⁻⁶ ये एन अपॉन एम, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 6.6 × 2.2 = n/m, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 = n/m, तो n इक्वल टू 3m, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3, 6 और 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 3, 6, 9 वो जो जितने भी उच्चिष्ट होंगे मैक्सिमम होंगे वो सब क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कौन से होंगे, ये n वाले होंगे, इसको मत कर दें, ये तो सारे हो जाएंगे, नहीं तो सारे नहीं होंगे, n यानी कि n इक्वल टू 3, 6, 9, 12, वो सारे के सारे क्या होंगे, अब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट कभी भी मैक्सिमम आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके जो फॉर्मूला बनेगा ना, अब ई प्लस बी देकर आपको इस तरह से फाइंड आउट करवा लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये मेरे हिसाब से कंडीशन आपके हो गई है ना। तो आगे जो क्वेश्चन अगर ऐसे कुछ रहेंगे तो मैं क्वेश्चन अभी इसमें करवाऊंगा, डिफ्रेक्शन के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल, तो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। देन उसके बाद में रिजोल्यूशन पावर पे चलेंगे, अगला जो वीडियो होगा किस पे होगा, रिजोल्यूशन पावर पे होगा। रिजोल्यूशन पावर जो है उसकी पूछी भी जाती है मेनली ग्रेटिंग, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वगैरह जो है ना, इनकी जो रिजोल्यूशन पावर आपसे पूछ जाती है, तो वो हमें वहाँ पे ध्यान देनी है और वो करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।